प्यारे जीजो प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करना चाहते हैं रूदी खुराक प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आप सबकी जहनी, रूहानी और जिस्मानी इन तीनों बातों को याद रखते हुए पेश किया जाता है। होप इसे आप ब्लेस्ड होंगे। मैं आपका ध्यान जबूर 46 भजन संहिता 46 की ओर लगाना चाहता हूँ, जहाँ पर बड़ी अच्छी बातें हमारे लिए लिखी हुई हैं। इन बातों को हम अगर अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो बड़ी सहायता मदद होगी। जबूर 46 उसकी पहली पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा स्ट्रेंथ है, एवर प्रेजेंट मेरी हेल्प है। परमेश्वर क्या है? मेरी सहायता, मुश्किल में मेरी सहायता है, और हमेशा के लिए संकट में, परेशानी में, चिंता में मेरा शरण स्थान है, मेरा पनाहगाह है। बहुत बड़ा ये एक परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस है, वायदा है हमारे लिए कि वो हमारी पनाहगाह है, छुपने की जगह है, शरण स्थान है, जहां पर आप और मैं छुप सकते हैं, ऊंचा गढ़ है वो हमारा, और मुश्किल में हमारी सहायता है। आपके और मेरी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, या तो आप मुश्किलों में होंगे या मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं तो मुश्किल, परेशानी, चिंता, फिक्र का सामना करना पड़ेगा। पर इसमें, इसके अंदर ये हमें याद रखना है, परमेश्वर हमारी पनाहगाह है, छुपने की जगह है, वो हमारा शरण स्थान है। जब आपकी और मेरी जिंदगी में परेशानी आती है, मुश्किल आती है, चिंता आता है, तो आप और मैं कहां पर जाके छुपते, कहां पर जाके अपना दिल शेयर करते हैं, कहां पर आप जाके अपने आप को शील्ड करते हैं, कहां आप सहारा लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। कई बार जब मुश्किल होती है तो इंसान जो है ऐसी जगह पर चले जाता है कि वो फिर वहां पर फिसने लगता है, गिरने लगता है, निराश में, यूसियों में गलत फैसले कर लेता है, उसी टाइम में वो बिखर जाता है, डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब होकर अपनी जिंदगी में नाश की तरफ ले जाता है। प्यारे जो प्रभु कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा से, जब आपकी परेशानी, चिंता, उसके बीच में मैं आपका छुपने की जगह हूं, पनाहगाह हूं, उस समय हमें चाहिए कि हम ऐसी सामर्थ्य, ऐसी हस्ती में जाके पनाह ले, छुपे, जो हमें अपलिफ्ट कर सके, जो आपको ऊंचा उठा सके, आपकी हौसला अफजाई कर सके, आपको स्ट्रेंथ दे सके, ताकत दे सके, कुवत दे सके। कई बार जब ऐसा परेशानी होती तो इंसान जाके ऐसी जगह में फंस जाता है और गलत फैसले ले लेता है, कोई नशों में चले जाते हैं, कुछ गलत संगति में चले जाते हैं, कुछ जो है अपने आप जिंदगी का, अपने अपनी जो जिंदगी का वो नाश कर बैठते हैं, या फिर ऐसे वो हालातों में चले जाते हैं कि जिससे वो और बदतर होता जाती जिंदगी, और परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं। आपने और मैंने सोचना है कि चिंता, फिक्र, परेशानी, संकट में अपने परमेश्वर में जाके पनाह लेने, उसके अंदर कुछ और भी काम करने के लिए कहे गए हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल जबूर 46 में ऐसा लिखा है, उसकी दूसरी पंक्ति में लिखा है, नंबर वन थिंग उसमें लिखा है कि आई विल फियर नॉट, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ, देयरफॉर वी विल नॉट फियर, ऐसा लिखा है कि हम फिक्र नहीं करेंगे। लिखा है चाहे तूफान आ जाए, परेशानियां आ जाए, चिंता आ जाए, बहुत बड़ा तूफान जिंदगी का जो आपको घेर ले आके, पहला काम तो ये करना है कि हमने डरना नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शरण स्थान है, परमेश्वर छुपने की जगह है, वो हमारा ऐसी जगह है जहां पर जाके हम अपना दिल शेयर कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ पा सकते हैं। इसलिए पहला काम जो है, इंसान डर जाता है, फिक्रमंद होता है तो डर जाता है, और कभी कभार उसे पता नहीं चलता करना क्या, पैनिक हो जाता है और लड़ाई करने लग जाता है, खिसिया जाता है, और कई बार अपने पर गुस्सा करता है, अपने लोगों पर गुस्सा करता है, या दूसरों पर गुस्सा करता है, और उस वजह से जो फियर उसके अंदर आ जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में 365 बार शब्द आया है डरना नहीं। कहने का मायना है कि साल के 365 दिन में एवरी डे एक बार हमें कहा गया है कि आपने और मैंने डरना नहीं। कितनी अच्छी बात है कि एवरी डे प्रभु आपको और मेरे को कहते हैं डरना नहीं। अगर आप डर रहे हैं किसी शख्स से, या किसी हस्ती से, या किसी मुसीबत से, या शैतान से, या फिर आप उस संकट से, आप ऊंचे पहाड़ से डर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि आप उसे पार नहीं कर सकते, आप अपनी मुसीबत से डर रहे हैं, आप अपने तूफान से डर रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है डरना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, शक्ति दूंगा। शायद आप किसी अजमाइश का, या फिर आपके इम्तिहान चल रहे हो, टेस्ट आपका चल रहा है, आपकी इंटरव्यू होने वाली है, शायद आपका कुछ ऐसा है कि आपको फैसला करना है, शायद आपको लग रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आप पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, आपको
फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, फैमिली को लेके हो सकती है, रिश्तों को लेके हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है मुसीबत इतनी बड़ी है जिससे मैं पार नहीं कर सकता, तो प्रभु पहली बात तो आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। और वह कह रहे हैं डरना नहीं, पहला काम तो क्या नहीं करना हमें, डरना नहीं, खौफ ज्यादा नहीं होना, परेशान होकर डर खौफ को अपने करीब नहीं आने देना। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत जो है आपको डराती है तो आपने ये सोच लिया कि खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु आपके साथ हैं। वो कहते हैं दुनिया के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं हमेशा आपके साथ हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो कहते हैं। तो पहला ये बात याद रखें, परमेश्वर आपके संग है, गॉड इज विद यू, इमैनुअल गॉड इस विदास्त मीनिंग। इसलिए पहले बात आपने सोच लेना है कि प्रभु आपके साथ है, डरना नहीं। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र बाइबल जबूर 46 में उसकी पांचवीं पंक्ति में लिखा है कि बिकॉज गॉड लिवेथ इन हर शी विल नॉट बी शेकन। इसराइल के बारे में लिखा है, उस कम्युनिटी के बारे में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसमें बसता है इसलिए वो डगमगाएगी नहीं, वो कम्युनिटी, वो समाज, वो लोग शेकन नहीं होंगे, विल नॉट बी मूव्ड। दूसरी बात प्रभु क्या कह रहे हैं, संकट में, चिंता में, फिक्र में, बीमारी में क्या हो जाते हैं, लोग डगमगा जाते हैं। जो है क्या होता है कि वो डामाडोल हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरा नहीं उतर पाऊंगा, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, शायद ये मुझसे होगा नहीं। आपने बहुत बड़ा काम शुरू कर लिया, आपने के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है, आपके सामने बहुत बड़ी एक बात खड़ी हुई है, आपकी मुसीबत बहुत बड़ी है, पहाड़ के माने दे, तो आपको लग रहा है कि ये तूफान का, ये पहाड़ का मैं सामना नहीं कर सकता, तो आपको लगता है कि मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो आप कभी बीच रास्ते छोड़ देते हैं, क्विट करते हैं, त्याग देते हैं, आप अपने सपनों को छोड़ देते हैं, आपको लगता है ये सपना बहुत बड़ा है, ये आपसे नामुमकिन है, तो प्रभु कहता है मैं आपकी हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, डरना नहीं है। और दूसरी बात वह कह रहे हैं शेकन नहीं होना, डगमगाना नहीं है, क्योंकि आपको पुरानी जिंदगी में पहले असफलताएं आपके हाथ लगी हैं, शायद आप पहले पूरा नहीं कर पाए, शायद आपने पहले ट्राई किया तो नहीं हो सका, तो शायद आपने जो है दिल को ये बात बता दी कि आप तेरे से होगा नहीं, तो प्रभु क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप पास में फेल हुए हैं, क्योंकि पहले हुआ नहीं, दैट डजंट मीन कि अब फॉरएवर ऐसा होगा नहीं। यस, बहुत से लोग जिन्होंने आविष्कार किए हैं, इन्वेंशंस किए हैं, पहले असफल हुए हैं, कई बार असफलताएं सामने उनके आई हैं, उसके बाद जाके वो सफल हुए हैं, उन्होंने जो है विकास किए हैं, उन्होंने ये इन्वेंशंस करी हैं। अगर वो पहली बार ही सफल हो जाते तो शायद जो हमारे सामने आज चीजें हैं वो शायद हमें नहीं मिलती। आप और मैं असफल होंगे जिंदगी में, पर आप असफल होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप सफल कामयाब होने के लिए बुलाएंगे। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, शेकन नहीं होना, मूव नहीं होना, डगमगाना नहीं है, निशाना प्रभु पर रखना है, उसी को मनाकर निशाना आपने चलते जाना है। बीच में आप कहीं असफल हो गए हैं, कहीं पर आपसे कुछ बात पूरी नहीं उतरी है, आप 100% नहीं ले सके हैं, दैट डजंट मीन कि आप असफल हैं। ये मत अपने आप को सोच ले, अपने पर लेबल मत लगा लीजिए कि आप हमेशा फेल हो गए हैं, अब आपसे बन नहीं पाएगा, आपसे पूरा नहीं उतरेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है, बेहतरी की, तरक्की की, कामयाबी की, सफलता की, और उस सफलता के निशाने पर जाने के लिए बीच रास्ते कुछ प्रॉब्लम, समस्याएं, स्ट्रगल्स आएंगे, पर वो आपकी मंजिल नहीं, आपकी मंजिल सफलता है, कामयाबी है। आप निशाना बनाए, शायद आपका सपना बहुत बड़ा है और आज पूरा नहीं हो रहा है, तो आप क्विट कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं फोकस करें, प्रभु कह रहा है छोड़े नहीं, क्विट ना करें। आपको लग रहा है आपका फेथ कमजोर हो गया, आपको लगता है आपकी संगति कम होगी, आपको लगता है आपकी प्रार्थना बहुत कम हो, अब नहीं पूरा हो सकती, प्रभु कहता है विश्वास में कमजोर नहीं होना है, जहन में, ख्यालों में कमजोर नहीं होना, क्विट नहीं करना है। जीतने वाले कभी रुकते नहीं है और रुकने वाले कभी जीतते नहीं। आपने सोचना कि आपने कौन से वाले बनना है, जीतने वाले बनना है या रुकने वाले बनना है। अगर जीतने वाले हैं तो फिर लगे रहना है, कंटिन्यू परस्यू करना है, हार्ड मेहनत करनी है, उसके साथ आपने अपने निशाना बनाना है कि मुझे उसमें सफल होना है, प्रभु कहता है, क्योंकि मैं उसमें बसता हूं। अगर प्रभु आप में बसता है, अगर परमेश्वर उसका वचन आप में बसता है, तो फिर आप मूव नहीं होंगे, शेक नहीं होंगे, डगमगाएंगे नहीं। अगर कुछ और आपके अंदर बस रहा है, आपके अंदर डर है, खौफ है, निराशा है, मायूसी है, तब आप जो है क्विट कर सकते हैं। आपने क्या करना, उन चीजों को बाहर निकालना है, परमेश्वर को अपने अंदर लाना है, प्रभु यीशु का मंत्र देना है कि प्रभु आपके मेरे अंदर आप बसें,
आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति मेरे दिल में, ख्यालों में, सोचों में, मेरे रूह में बसे, तो मैं नहीं डगमगाऊंगा, मैं शेकन नहीं होऊंगा, मूव नहीं होऊंगा, डगमगाऊंगा नहीं, मैं अपने काम में आगे बढ़ता चलूंगा। तीसरी बात, जबूर 46 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। क्या कह रहे प्रभु? शांत रहे और जान लें कि मैं ही परमेश्वर हूं। कई बार हम बहुत बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, सवाल बहुत कर बैठते हैं, उस वजह से हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते या अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने बारे में कहते रहते हैं मुझसे नहीं होगा, हम अपने बच्चों को कहते इससे तो होगा ही नहीं, ये तो फेल ही होगा, इससे तो कभी बनता नहीं, या लोग उनको कह देते हैं भाई तेरे से नहीं होने वाला, ये तेरे बस की नहीं है, तो वो उस स्टेटमेंट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि लोगों ने कहा है, फैमिली ने कहा है, रिश्तेदारों ने कहा है, मित्रों ने कहा है, और लोग उनके बारे में नेगेटिव कहते हैं, तो वो नेगेटिविटी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, हीन भावना में रहते हैं और अपने को छोटा समझते हुए अपने आप को सजा देते रहते हैं कि मुझसे तो होगा नहीं, मैं तो कभी सफल नहीं होऊंगा। तो वो ऐसा कह कह के जो है अपनी जिंदगी को नाराश में यूज कर करके बिल्कुल वहां पर सेटल हो गए, जिंदगी उन्होंने पार्किंग पर लगा दी। पर वो क्या कह रहा है? आप परमेश्वर नहीं, आप अपनी जिंदगी की जो है रेखाएं खींचते, आप नहीं अपने आप को चलाते, मेरे को दो अपनी जिंदगी और आप शांत रहो। शायद हालातों के मुताबिक परिस्थितियां ऐसी नजर आएंगी कि आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, आप नहीं सफल हो पाएंगे, दैट डजंट मीन कि आप फॉरएवर उधर रहेंगे, वो एक सीजन है, गुजर जाएगा, वो एक आपका बीच रास्ते एक स्पॉट है जिसको आप गुजर जाएं, आगे बढ़ जाएंगे। सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, प्रभु क्या कह रहा है, फोकस करें, निराश मत हो, अपना बिखरे हुए दिल को प्रभु के हाथों में स्पुर्द करें और शांत रहें कि प्रभु परमेश्वर है, वो टेक केयर करेंगे। नेगेटिविटी मत कहें, नकारात्मक बातों को मत उचारें अपने लिए और दूसरों के लिए, और ना उन पर मनन करें, ना उनके बारे में सोचें, शांत रहें, सवाल मत करते रहें। कई बार लोग अपने पर सवाल करते हैं, अपनी काबिलियत पर सवाल करते हैं, या फिर परमेश्वर पर सवाल करते हैं, वो तो मेरे साथ नहीं देता, परमेश्वर तो अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, जिंदगी में है ही नहीं परमेश्वर, तो कुछ भी नहीं होता ही नहीं, ऐसा कह कह के वो नेगेटिविटी को अपने चारों तरफ बना लेते हैं, तो उस नेगेटिविटी में जीना शुरू कर देते हैं, फिर वो नफरत, बैर और निराशा, मायूसियां, फ्रस्ट्रेशन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और हमेशा सवाल करते रहते हैं, फिर निराश रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते हैं, उसी में हम जिंदगी बसर करते रहते हैं। देखिए, पॉजिटिविटी पर ध्यान दीजिए, अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की वाणी को अपने लिए उच्चारित करें। प्रभु का वचन क्या कहता है, वाणी क्या कहती है आपके बारे में, मेरे बारे में, ये लोग क्या कहते हैं उस पर फोकस नहीं करना, आप क्या सोचते हैं उस पर भी फोकस मत करें, प्रभु की वाणी आपके बारे में क्या कहती है। वो कहता है मैं तुम्हें हेड बनाऊंगा, पूंछ नहीं, वो कहता है मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा, पीछे नहीं, वो कहता है तुम मेरी आंख की पुतली के माने, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी औलाद हो, वो कहता है मैं तुम्हें सफल, मैं तेरे नाम को अपने हाथों की हथेली पे खोदा हुआ है, वो कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मेरी औलाद हो, मेरे करीबी, मेरे निज प्रजा, याचकों की शाही मंडली हो तुम, मेरे करीबी हो लोग। प्रभु आपके बारे में अच्छी और बेहतर और आशीष की बातें उच्चारित करते हैं, वो बातें आप अपने लिए उच्चारित करें कि मैं सफल होने के लिए बुलाया गया, आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया, कामयाब होने के लिए प्रभु ने मुझे चुना, मैं उसका बच्चा हूं, कोई मेरे खिलाफ जो कोई काम करता है वो सफल नहीं, कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ छोड़ा गया है, कोई भी तीर जो आपके खिलाफ छोड़ा गया हो कभी सफल नहीं होगा, अगर आप प्रभु में हैं और प्रभु आपके अंदर पाया जाता है, आप उसमें पना लेते हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो कोई आप पर जो है हावी नहीं होगा, प्रभु आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी को सफल और कामयाब होते हुए देखें, प्रभु में शरण लें, उसको पनागा माने, उसको अपनी ताकत माने और डगमगाए नहीं, डरे नहीं, शांत रहकर प्रभु पर जिंदगी सुपुर्द कर दें। देखिए फिर जिंदगी कैसे प्रभु चलाते हैं, आप नहीं चलाएंगे, लोग नहीं चलाएंगे आपको, प्रभु आपको गाइड करेंगे, रहनुमाई करेंगे, आप सफल सपन जिंदगी जी पाएंगे। मेरी आपके लिए ये प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीषें, बरकतें आपकी जिंदगी का हिस्सा हो और आप बहुत अच्छी जिंदगी जिए और प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहें। खुदा आपको बहुत बरकत दे।